बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ पार्टिकल ऑफ मास इमेज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी वी मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। व्हेन द पार्टिकल लैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम विल बी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे थ्रो कर दिया गया वी वेलोसिटी से, तो जब वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे लैंड करता है, जैसे ये लैंड कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, अभी भी ये वी वेलोसिटी से आएगा और 45 डिग्री पर ही आएगा। तो हमको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। आपको एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको एक बात बच्चों यहां क्लियर होनी चाहिए कि जैसे हमने वी वेलोसिटी थ्रो किया तो इस बॉडी के दो वेलोसिटी हो जाती हैं, दो कंपोनेंट वेलोसिटी के हो जाते हैं, एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा, आपको पता है कि जब तक ये बॉडी चलती रहती है, प्रोजेक्टाइल मोशन करती है, इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होता, यानी कि वी कॉस थीटा ही बना रहता है। जबकि वर्टिकल वेलोसिटी जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है कम होता जाता है, यहाँ जीरो हो जाता है वर्टिकल वेलोसिटी, और यहाँ पर फिर गिरता है तो क्या होता, बढ़ने लगता है, और बढ़ते बढ़ते जहाँ से थ्रो किया गया अगर उसी हाइट पे गिर रहा है तो ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी की क्या हो जाती है, वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर हो जाती है, यानी कि वी साइन। अब अगर ये एंगल 45 है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ये 45, यहाँ पे 45, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये 45, ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा वी साइन 45 डिग्री। इतना तो आपको क्लियर है। अब हमसे चेंज इन मोमेंटम की बात की जा रही है, तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अब हॉरिजेंटल लीनियर मोमेंटम जो होगा, हॉरिजेंटल लीनियर मोमेंटम, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा एम वी होता है, तो एम वी कॉस 45। इसका मतलब हॉरिजेंटल लीनियर मोमेंटम होगा एम वी कॉस 45, लेकिन हॉरिजेंटल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो अगर m मास बॉडी का है तो यहाँ भी एम वी कॉस 45, यहाँ भी एम वी कॉस 45, यहाँ भी एम वी कॉस 45, यहाँ भी एम वी कॉस 45। इसका मतलब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हमको तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम बताना है, तो हॉरिजेंटल में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो उसको छोड़ दीजिए। अब वर्टिकल में बात कीजिए, तो वर्टिकल में लीनियर मोमेंटम देखिए चेंज हो रहा है भाई, हॉरिजेंटल वाला तो कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होना। इसका मतलब डेल्टा पी इन हॉरिजेंटल इज जीरो, एक्स का मतलब हॉरिजेंटल। बट वाई डायरेक्शन में देखिए, पहले का मोमेंटम कितना है, लीनियर मोमेंटम इन वर्टिकल, ठीक है, वर्टिकल में जरा देखिए बच्चों, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, एम वी साइन 45। फाइनल लीनियर मोमेंटम कितना होगा, जब यहाँ पे गिरेगी, देखो ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ होगा तो निगेटिव, इसका मतलब ये हो जाएगा एम वी साइन 45, लेकिन किधर, देखो ये प्लस वाई एक्सिस में, तो इधर का मोमेंटम किधर होगा, माइनस वाई एक्सिस में, इसीलिए इसको क्या करेंगे, माइनस। सो नेट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो टोटल लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज होगा, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू आएगा डेल्टा पी इन एक्स डायरेक्शन प्लस डेल्टा पी इन वाई डायरेक्शन। अब देखिए x डायरेक्शन का तो डेल्टा पी जीरो हो चुका है, y का कितना होगा, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, तो ये कितना आएगा बच्चों,
यह आएगा माइनस का एम वी साइन 45 और माइनस का एम वी साइन 45। देखो पी वाई डैश डैश तो ये माइनस में ही था, ऐसे आ गया, ये माइनस यहाँ लगा के ये वाला माइनस और फिर ये वैल्यू पुट कर दी गई, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2mv साइन 45। ठीक है, अगर हम यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू पुट कर दें तो डेल्टा पी आ जाएगा माइनस 2mv साइन 45 मीन्स 1/√2, ये से रूट टू से कैंसिल होगा तो ऊपर रूट टू बच जाएगा, तो यानी कि आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस रूट टू एम वी। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव में आंसर लिख लेते हैं, यानी कि डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो माइनस साइन हट जाएगा तो क्या बचेगा रूट टू एम वी। सो चेंज इन मोमेंटम इन द बॉडी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड एट 45 डिग्री इज रूट टू एम वी। ओके बच्चों, इसको सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन हमको दिया गया था उसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। बच्चों आप हमारे चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिए, हमारे साथ पढ़ाई करते रहिए, लगातार हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो फिजिक्स में दे रहे हैं। थैंक यू बच्चों।